दिन में ऐसा हो जाएगा यहाँ पर के माहौल में सेट, तो भाई इसको अलग से रखना पड़ेगा। ओके हाँ, अलग से रखना पड़ेगा, अलग से बिठाना पड़ेगा उसको। वैसी ही था वहाँ पर जो मैं आपको बताया ना। ये क्या डिटेल में भाई, ये क्या दांत होगा इसका? ये जिसके दांत चेक करो ना, इसके देखा नहीं, शायद ये चार है, ज्यादा नहीं है। चार अभी एक बकरे ने कोई तकलीफ नहीं दी है। अच्छा और भाई अपने ऐसे एक चीज मिस हो गई जो आपका सबसे बड़ा बकरा आपने बताया पीछे। हाँ एक बार और आप उसको। हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू गुड वर्ल्ड। दोस्तों मैं आया हूँ नागपाड़े पे और आज मैं कवर करने जा रहा हूँ पहला बाड़ा। सो के हमारे फारूक भाई ने उतारे हैं बकरे बकरा ईद के लिए। तो ये है लॉट अलहमदिल्ला। अस्सलाम वालेकुम फारूक भाई। वालेकुम अस्सलाम। फारूक भाई अच्छा लग रहा है कि बकरे आ गए हैं तेल के लिए अपने एरिया में और सब वाइट वाइट दिख रहे एकदम मस्त। हाँ इंशाल्लाह पूरे वाइट मिलेंगे। इसमें तीन चार लग है जो ब्राउन में है लेकिन वो भी हैंग पिक्ड है भाई। ओके दो दांत चार दांत में ज़्यादा से ज़्यादा बकरे हैं, मुश्किल से छः दांत हैं। ओके तो मुझे बताइए यहाँ आके कितना समय हो गया है? इन को आके यहाँ पर दो तीन दिन हुआ है। ओके अभी वेल रेस्टेड है। ओके पूरा अच्छे से इनको रेस्ट मिल गया। जी जी जी। सो ठीक है हम चल के देखते हैं अंदर। और भाई ये ब्रीड क्या क्या है इसमें? इसमें मोस्टली सोजती है और कुछ पतीरा भी है। फुल पिंक में भी है, ब्लैक चमड़ी में मतलब ज़्यादा माल नहीं है लेकिन ब्लैक चमड़ी में भी आपको मिल जाएगा। ओके अच्छा कुछ बकरे काफ़ी हेल्दी दिखे मुझे, जैसे कि ये बाहर के लगभग 80 किलो के आसपास का। तो ये तो आने के बाद ये हाल है। और जब आपने उधर आपने खुद जाके लाए होंगे लॉट? जी मैं खुद लाया था। थोड़ा वजन तोड़ते हैं बकरे जैसे ट्रैवलिंग में आते, तो ये कैसे अभी दो चार दिन में और एक चार पाँच किलो वजन सब बकरे गेन करेंगे। राइट और ये खा पी रहे मेरे पास, ये पूरे लॉट में एक बकरा नहीं है जो नहीं खाता। ओके हाँ देखिए जी जी। तो ये बेचने का कॉन्सेप्ट क्या, हम केजी के हिसाब से बेच रहे हैं नग के हिसाब? देखिए हम लोग तो अभी तो नग से ही दे रहे हैं लेकिन इंशाल्लाह अगर कोई आता है उनको लिए केजी का भी कर देंगे। ओके फिलहाल नग पे है। फिलहाल नग पे ही है और कोई चार से बकरा लेता है तो केजी पे भी इंशाल्लाह हो जाएगा। अच्छा सो जैसे अपन इसे शुरू करते हैं, अंदाजा ये क्या किलो में होगा भाई? ये वाला 75+ kg का, फुल पिंक है इसकी स्किन एकदम। और वो जो ब्राउन पैच आ रहा है माशाल्लाह ये काफी अच्छा लग रहा है। ये एक्चुअली उठाया ही वो मैंने खूबसूरती की वजह से, इसकी एक जोड़ी थी भाई वो फर्स्ट डे ही बिक गई। अच्छा जी। सो अगर वो फर्स्ट डे बिक गई है तो वो तो माशाल्लाह और जबरदस्त होगी भाई। जबरदस्त था। और वो क्या है कि मेरे जो आठ बकरे स्टार्टिंग में गए हैं वो सिर्फ खूबसूरती की वजह से गए और मैं दे भी नहीं रहा था भाई, वो अंदर घुसे मेरे पड़ोसी थे उसमें से आठ में से छह बकरे पले गए। अच्छा जी। तो अब मेरे पास अभी जितने बकरे गए हैं ना उसमें से सिर्फ मेरे ख्याल से चार या पांच बकरे गए जो कुर्बानी के लिए, बाकी सब पलने के लिए गए, सब पलटी वाला माल है। सो भी पड़ोसी तो, लोग नहीं लेके गए सब, तो पड़ोसी के हकूक पूरे हो गए अपने। अच्छा ना इसका फेस वगैरह माशाल्लाह बहुत अच्छा है पिंक में वो। सो आपने ये 75+ बताया, 75+। सो इसका प्राइस हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? प्राइस तो अभी बोलने के लिए तो बहुत झूलते हैं, 45-48 लेकिन अगर इसको लास्ट देने का रहेगा हम लोगों को 42 लास्ट देना है फारूक भाई को। स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, फारूक भाई को कॉल कर सकते हैं और प्लस यहाँ पे विजिट करो बॉम्बे में, माशाल्लाह काफ़ी अच्छे मेन मुंबई में उतर गए बकरे। सो गुड न्यूज़ स्टार्ट हो गया है और हमारा जो प्लस पॉइंट है ना भाई जगह खुद की है, जो कॉस्टिंग है ना बहुत कम हो जाती है। अच्छा इसलिए जो अगर कहीं और से मैं यही बकरा ऐसी बकरा मैंने लास्ट ईयर लिया था तो भाई वो मेरे को 48 में पड़ा था। अब लास्ट ईयर में और इस ईयर में बहुत फर्क है क्योंकि भाई खाना भी बढ़ गया है, खाने का पैसा बढ़ गया है तो डबल भाव हो गया, डबल से भी ज्यादा हो गया। अभी उसके बारे में तो डिस्कस नहीं कर सकते। राइट लेकिन कैसा है कि अपनी जगह का जो है ना पैसा बढ़ गया तो भाई शौक है अपना जी। अब ये क्या इसे यहाँ से शुरू करके अभी फार्म की जगह से शुरू करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ेगी, अपना ये पैशन है। ओके सो खुद का जगह होने से ओवरहेड कॉस्ट कम हो जाता है, कम हो जाता है तो वो अच्छा पड़ता है। जी जी जी। अच्छा बकरों के अगर प्राइस की बात की जाए तो रेंज अगर स्टार्ट की जाए कि इससे शुरू हो रही है और यहाँ पे खत्म हो रही है? भाई मेरे पास अंडर 30 के भी है। अच्छा लेकिन उसमें बहुत कम माल है, 30+ के बकरे हैं, 30,000 से स्टार्ट होगा, 75-80 तक का है बकरा। 30 to 80 जी, 30,000 से 80,000 तक के बकरे है। थोड़ा सा अंदर जाके करीब से भी दिखाता हूँ मैं। टोटल कितने हैं फारूक भाई? ये 70 बकरे, 70 बकरे।
और सब ऐसा लग रहा है कि एक से एक नकली चुन के लाए हो आपने भाई। हैंड पिक्ड है जिनसे लिया हो ना। हाँ वो एक्चुअली मेरे जो मेरे मैनेजर है ना उनके रिश्तेदार ही थे, तो उन्होंने निकालने दिया हमको जो पसंद है। तो हैंड पिक का वो दिख रहा है, हैंड पिक्ड है वो। ये हैंड पिक्ड है पूरे, देखो ये वाला बकरा ये उन्होंने अपने घर के रखे दो रात के, ऐसे पांच नगीने। अच्छा वैसे वाले जी, उसको लाओ व्हाइट वाले को, वो वाले व्हाइट को लाओ। वो अपने घर के लिए रखे थे, लेकिन मैं क्या किया जबरदस्ती करके उनके दस बकरों में से पांच लेके आ गया। हाँ वो ये ना इसकी खूबसूरती देखो, या तो इसको हटा दो आप, खुद ही आ जाएगा। छोड़ दीजिए अभी, मैं वो पांच में सबसे हल्का वाला है। ओके और ये पांच है ना, तो इसे पाँच पाँच चार चार किलो वजन, आठ किलो, दस किलो, और जो हंड्रेड केजी प्लस वाला बकरा है ना अपना, वो भी यही वाला है एकदम पिंक। अंदाजा इसका क्या प्राइस रहेगा, मतलब क्या वेट रहेगा पहले तो ये बताइए, क्योंकि आपने बताया सब में 70-75 के बीच में है। 70-75 के आसपास का है ये वाले जो है ना, केजी से नहीं ले रहा है। हाँ हाँ ये एक साथ पाँच थे वो अलग थे, तो ये नक के हिसाब से ही रहेगा, नक के हिसाब से। एंड इसका प्राइस क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं भाई? इसका 45 एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो खूबसूरती के हिसाब से बकरे हैं सर जी। जी जी मेरे पास है ऐसे ब्राउन कलर के भी बकरे हैं, लेकिन वो उनकी भी खूबसूरती अलग है। वो दो दांत पे 75-80 के चुके ये माशाल्लाह। सो काफी, तो वो भी मैंने है ना हाथ से ही चुन के निकालो। ओके सो हैंड पिक के फायदे तो बाहर से आके ही मालूम पड़ता है आपके पूरे हैंड पिक। हैंड पिक राइट, एक भी बकरे में कोई फॉल्ट नहीं है, खाने पीने में सब अच्छे, पेट भर जाए तो भी खा लेते हैं ऐसे बकरे माशाल्लाह। हाँ क्योंकि इनकी हेल्थ और उनका पेट देख के मालूम पड़ रहा है। फुल वेल सेट है, अगर कोई लेके अभी घर पे लेके जा सकता है। इनको हम लोगों ने जब लाया ना तो हम लोग सेल नहीं कर रहे थे। ओके हम लोग आज से ही सेल कर रहे थे जैसे आज के दिन से, क्योंकि हम लोग सोच रहे थे पहले रेस्ट करा ले अपनी जगह है, अपने खुद के आदमी है, काम के आदमी, लोगों को भी बहुत शौक है। राइट एक्चुअली हम जितने लोग हैं ना आसपास आठ लोग हैं जो इसके अंदर इन्वॉल्व है, और आठों को शौक है दुकान के आदमी से लेकर के ओनर तक का। अच्छा तो सबको ही बकरों का काफ़ी शौक है, शौक भी है नॉलेज भी। अच्छा अच्छा ये आपके शौक के लिए है हुआ है, आपका पर्सनल लग रहा है? ये मेरा पर्सनल है भाई, ये तो अभी समझो मरते मरते बच गया। ओके वो मेरे कोटा ने इसको मार दिया था। हाँ हाँ अभी आया है तो थोड़ा चल रहा है जी। आपने अच्छा आपका कोटा थोड़ा उतर गया है क्या अभी? वो खस्तियों के बीच में। अच्छा उसको ऊपर रख दिए तो अलग रखे थे। हाँ अलग तो बिल्कुल ही नहीं खा रहा था, यहाँ पर लाया तो चिल्ला चिल्ला के चार दिन में यह हाल गया, लेकिन मार लेकर के करते हम। और भाई ये एक बकरा दिख रहा है, ये छोटा बकरा है मेरे, थोड़ा एक हाँ एवरेज में दिख रहा है, दो दांत में नहीं है ये, दो दांत में फेस एक हाँ दो दांत हैं। हाँ जी हो सकता है चार निकल भी जाए, क्योंकि हम लोग दांत चार नहीं है, दो ही दांत, ये एक दांत का है शायद मेरे। अच्छा एक दांत का है। हाँ जी जी एक दांत का है या तो फिर डेढ़ दांत का है, या पूरे दो भी नहीं हुआ है अब तक, दो नहीं हुआ है, नहीं हुआ, और एकदम पिंक एकदम चेहरा ऐसा है। अच्छा ये अदंत है, अगर कोई इसको भाई पलटी मारने के लिए देखे तो भी देख सकते हैं। सो मोहम्मद भाई ने जो बकरा पकड़ा है, सो ये भी माशाल्लाह काफी अच्छा है, फुल पिंक में है, फुल पिंक है, व्हाइट स्किन है इसकी, व्हाइट और फुल है, एक पैच है एकदम गुलाबी है। हम्म, ये पैर पे जो पैच आ रहा है, दो दांत पे ये बकरा। अंदाजा क्या वेट होगा इसका भाई? 60 तो पक्का है, 60 के आसपास। व्हाइट आइज और इसका प्राइस क्या ले सकते हैं भाई अपन? इसका 33,000। सो प्राइस निगोशिएबल है? हाँ 19-20 हो जाएगा, क्योंकि आपके लिए आपके चैनल के तरफ से जो भी आएगा इंशाल्लाह हम लोग बोलते भी नहीं ताकि आदमी आए ही नहीं। राइट हम चाहते हैं कि कस्टमर आए बकरे देखे और पसंद करे, क्योंकि बकरों का ऐसा है कि देखने के बाद ही समझ में आएगा। अच्छा ये काफी बड़े फ्रेम में दिख रहा है भाई, अलग इसका फ्रेम है जी, ये है वो वाला है, ये तो दो दांत पे भाई। अच्छा ये दो दांत दो दांत पे है और इनके एकदम घोड़ा है इंशाल्लाह। हां वही घोड़े ही दिख रहा है ये। हां ये अगर पालने के लिए अगर कोई रखे ना इसको नेक्स्ट ईयर के लिए, तो ये 100 आराम से क्रॉस करेगा, और खाने पीने में सबसे ज्यादा जबरदस्त है जी। इसके अलावा एक ब्राउन पैच वाला बकरा भी आया था, शायद बाहर चला गया वो, दूसरी दुकान है अपनी बाजू वाला, देख लेते हैं एक बार चलते हैं। फारूक भाई आपने बकरे की रेंज बताए थे, मतलब छोटा सा छोटा हमने देखे, बड़ा बकरा आपका कौन सा है इसमें से? ये वाला अपना बड़ा बकरा है। अच्छा सब में हैवी वाला यही बकरा है? सबसे हैवी वाला है, और ये सेल्फ फीडिंग पे ही 100 क्रॉस किया है, अभी आया तो थोड़ा थका हुआ है जी जी। सो अभी क्या वेट रहेगा इसका? फूर में है ये माशाल्लाह,
आप थोड़ा इसको दूर उधर खड़े हो जाओ ना, पकड़ के चाहिए तो इसके साइड वाइड सब निकल के दिख के आते हैं। एक दो दिन में ऐसा हो जाएगा यहाँ पर के माहौल में सेट, तो भाई इसको अलग से रखना पड़ेगा। ओके हाँ, अलग से रखना पड़ेगा, अलग से बिठाना पड़ेगा उसको। वैसी ही था वहाँ पर जो मैं आपको बताया ना, पांच नगीने निकाला हूँ मैं, उसमें से किए। सो दो चार दिन में ये जो इसने वेट लॉस किया होगा वो वापस रिगेन कर लेगा। इनफैक्ट ये खा भी रहा है, इसको खाली क्राउड पसंद है। सो आपके अंदाजे से जब ये दो अभी फिलहाल लाइव वेट क्या होगा, आपने जब लिया था जब क्या वेट था इसका? इसका 103 था, 90 से 95 के बीच में होगा। मैं कम ही बोल रहा हूँ हाँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर आया बोले मेरे को वजन करा के दो। तो अपने पास वो फैसिलिटी है कि नहीं, विंग स्केल वगैरह वो हो जाएगा, वो हमको दिखाना है तो हम दिखा सकते हैं। दिखा देंगे। और ये सिर्फ चार दांत। ये फिलहाल चार दांत पे। सो मेरा बस चले तो मैं तो इसको पलटी मारूंगा अगले साल के लिए। ये अभी चलता है ना खा पी के तो वोबिल करता है। अच्छा वो ऐसे रहता मटका वैसा है वो बकरा। हाँ हाँ। वैसे ये वाला सबसे बड़ा है और वहाँ पर अपनी छोटा देखो उसके बीच में तीन है वो भी वैसी खूब जी। इधर वो वाला बकरा लाओ ब्राउन पैच वाला वो फेस पे। ये चीज देखो, ये भी मैंने भाई बहुत मुश्किल से निकाल के लाया और ये भी उनके घर का पाले हुआ था। अरे ये पीछे वाले जो वाइट है माशाल्लाह। बहुत चंचल लग रहा है, नहीं आता। देखो ये भी है भी बकरा अपना माशाल्लाह। सो जो भाई ने आपके पास भेजे थे उन्होंने यही कहा कि भाई क्वालिटी बकरे उतरे, जाके देख लो फारूक भाई के पास। सो माशाल्लाह आके वो फील हुआ। अच्छा ये भी काफी अच्छी हाइट में भाई, ये अच्छी हाइट में वेट में भी अच्छा है ये माशाल्लाह। और इसका फेस भाई, इसके फेस तो इस वैल्यू है। कान, इसके कान की लेंथ देखो। आप भाई पाल लीजिए। ये क्या डिटेल में भाई, ये क्या दांत होगा इसका? ये जिसके दांत चेक करो ना, इसके देखा नहीं, शायद ये चार है, इससे ज्यादा नहीं होगा। चार है, चार दांत, चार दांत का दिखा दो। चार दांत नहीं चलेगा, दांत दिखाने का जरूरत नहीं है इसमें। चार दांत का है ये, 75-80 के ऊपर ही है। 75 से 80 के आसपास है, अभी 75-80 बोल रहे हैं। हाँ ये भी दिखा देंगे भाई। ये देखो ये भी बड़े मटके में एकदम, ये एकदम मटका है, ये मैंने अलग से लिया भाई। अच्छा जी। सो ये इजीली मिल गए आपको कि डिमांड था कुछ ऐसा लगे? नहीं नहीं वो तो सब जगह डिमांड रहता ही है, लेकिन कैसा हो गया कि हम लोग के पर्सनल रिलेशनशिप नहीं। अच्छा थोड़ा और पीछे लो ना, ये फ्रेम में नहीं आ पा रहा है। हाँ। उसको छोड़ दो चलेगा। ये चार दांत पे और इसकी जोड़ी दो दांत पे, ये दो ही बकरे मैंने ऐसे लाए हो। ये चार दांत में खिलाओ अगर अच्छा दिन भी नहीं गएंगे तो गोली रहते। ओके और खाने में इतने फास्ट है ना कि भाई सबसे आगे भागते हैं सारे बकरे ऐसी है खाने में। अभी तक चार दिन हो गया है, तीन चार दिन हुआ है, अभी तक एक बकरे ने कोई तकलीफ नहीं दिया है। अच्छा और भाई अपने ऐसे एक चीज मिस हो गई जो आपका सबसे बड़ा बकरा आपने बताया पीछे। हाँ एक बार और आप उसको पकड़ो ना इसको छोड़ के। इसका प्राइस अपन ने नहीं बताया शायद कस्टमर को, तो अच्छा ठीक है वापस बता देते। हाँ तो हाँ अभी अच्छा है इधर पीछे। हाँ आप पीछे थोड़ा सा और ये सा इस तरफ हो ना मेरी तरफ। हाँ बस इसका प्राइस अपन नहीं बताते ना, प्राइस रह गया था। हाँ इसका जो प्राइस मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ना 80 करो 80 और 100 केजी का 80 एक्सपेक्ट करना है ना बहुत। सो ज़्यादा नेगोशिएबल नहीं, ज़्यादा नेगोशिएबल नहीं हो पाएगा ना, मैं ज़्यादा मांग रहा हूँ। 100 किलो के बकरे का आराम से कोई भी 80 मांग लेता है। तो वाइट सिंग वाइट को और ये बिस्किट कलर, व्हाइट और बिस्किट कलर है और काफी बड़ी पेटी में है। साइड से सब आपको फैट है इधर पे। और कुछ मीडियम रेंज के हम लोग वो देख लेते हैं चीज। अभी ये सब तो कवर हो गए हैं और बकरे कुछ आराम भी कर रहे हैं खा पी के।
तो उनको फरी को बकरे अपने हाथ में आती नहीं है, बहुत खींच खाच के लाना पड़ता है, मतलब मजबूत है, नचा दिए इन लोगों ने, लेकिन बहुत नचा है, सच्ची बात है माशाल्लाह। भाई ये क्या रेंज में होगा, ये थोड़ा मीडियम रेंज में दिख रहा है, ये मीडियम रेंज में और ये अराउंड 65-70 केजी में, 65-70 भी है माशाल्लाह, सेम दिखते हैं दोनों। ओके और एक ये भी है, हाँ यार सही है जी, ये प्रीमियम रेंज में, ये मीडियम रेंज में, लेकिन पिंक है दोनों, दोनों ही पिंक है, दोनों ही पिंक है एंड ये प्रीमियम दिखता है, दिखा के उसके है क्वालिटी और ये मीडियम रेंज में, इसका ऐसा ले लो तो थंबनेल आ जाएगा। सो जी इसका प्राइस, इसका मैं है ना 37-38 एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ऐसे बकरों का। ओके ये वाले का, और ये तो 42-43 है, मैं जैसा हो जाए, 5 बकरे हैं जी, इसमें जैसा हो जाएगा, जो बकरा जो साइज का पकड़ेगा उसके हिसाब से। ओके ये लोकेशन एक बार बता दीजिए, ये नागपाड़ा सिग्नल से, अनमोल केमिस्ट है नागपाड़ा सिग्नल पे, और थोड़ा दो टाके की तरफ आओगे तो अनमोल कैफे रहेगा। ओके अनमोल कैफे इराकी बेकरी, इराकी सामने जो सामने गली है, जैसे घुसोगे गली में 6-7 दुकान छोड़ गई अपनी। ओके और सामने गैस वाला भी कोई है ना, भारत जी, भारत गैस के एकदम सामने, अपोजिट भारत गैस है ये गाला। तो और आने की कोई टाइमिंग है इधर की, कभी भी आ सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं भाई, कोई ना कोई मिल जाएगा जी, कोई ना कोई यहाँ पर हमेशा रहता है, घर के लोग हैं। ओके सो बहुत बहुत शुक्रिया फारूक भाई, जजाक अल्लाह खैर, जजाक अल्लाह।